नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, कोई भी स्टॉक के बारे में जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं आपको हमेशा एक चीज बोल के आता हूँ कि उस सेक्टर से लीडर कौन है और उस सेक्टर के नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तीनों कंपनीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना। इस तीनों कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल ले आ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि तीनों कंपनी का नाम देखकर ही निवेश कर लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर सिस्टम इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। आप सभी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स के। तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा जो इसी सालों में निफ्टी 50 के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकते हैं? निफ्टी 50 में एंटर होना कोई आम बात नहीं है। ऐसे वैसे कंपनी कोई निफ्टी 50 के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज दिग्गज कंपनी है, बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी है, अभी तक निफ्टी 50 के अंदर उसका नाम अभी तक शामिल नहीं कर पाया। वो अपोलो हॉस्पिटल नाम शामिल कर चुके हैं। ऑयल इंडिया जो था वो उसको बाहर निकलवा गया और अपोलो हॉस्पिटल को अंदर करवा दिया गया। अंदर मतलब निफ्टी 50 के अंदर। तो चलो आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्यों निफ्टी 50 के अंदर मतलब यहाँ पे लेके आया है। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के बेसिस से निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। क्योंकि देखिए, निफ्टी 50 में जितने सारे कंपनीज है, सारे के सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस हमेशा मतलब ग्रोथेबल होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इसी के बारे में, इसका कौन सा न्यूज अपडेट किया है तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, स्ट्रेंथ बता दूं कि कंपनी, देखिए कंपनी एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटलिटी की बिजनेस है। तो आप कहेंगे सर ऑनलाइन का कौन सा बिजनेस है? मान के चलिए अपोलो हॉस्पिटल में कोई भी मतलब कोई भी सीट बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी आपका हेल्थ के चेकअप और कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप सीट बुकिंग करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो मतलब अपोलो हॉस्पिटल के कितने सारे अपोलो शॉप्स है, मतलब कितने सारे जगह जगह पे आपको अपोलो शॉप मिलेगा जहाँ से कंपनी को एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो अभी देखा जाए तो मिड मिड प्लस भी अभी उस तरीके से शॉप बना रहा है, साथ ही साथ फार्मा इजी भी बना रहा है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी मार्केट में उतर रहे हैं, फिर भी बहुत पहले से ही अपोलो शॉप ने मार्केट में उतर चुका है इस तरीके से काम करने के लिए। तो आपको अपोलो हॉस्पिटल जैसे अपोलो शॉप भी आपको मिल जाएगा। तो इस ये कंपनी का स्ट्रेंथ है कि कंपनी पहले से ही, इसका मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रांग है कि उसको पहले से ही कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में, कौन सा बिजनेस मॉडल्स के ऊपर वो जा सकते हैं उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंपनी कौन सा न्यूज पब्लिश किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज कहाँ से आया? द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर न्यूज आया है, तो द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो आप देखिए क्या बताया जा रहा है, मैं टोटल डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगा, तो पूरा दिखते जाइए, स्किप मत करिए, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अपोलो हॉस्पिटल एक्वायर 60% टेक। आप देख सकते हैं, देखिए आयुर्वेद रुपीज 26.4 करोड़, मतलब आयुर्वेद जो है वो उसको भी एक्वायर कर रहे हैं। कितना? 60%। इसका मतलब अपोलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम ने क्या किया, आयुर्वेद हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहे हैं खुद के बिजनेस के साथ। और देखिए यही खासियत है कि मान के चलिए आप खुद सारे चीज बाजार से लेकर लेके घर में मतलब तैयार करके वो खाना चाहते हैं कि बाहर के तैयार होना खाना आप खाना चाहते हैं, और वो भी सस्ते दामों में। मतलब जितने सारे प्रोडक्ट आप घर में लाके बनाते हैं उसका कॉस्टिंग मान के चलिए यहाँ पे 50 रुपया आ गया, और वो ही प्रोडक्ट बनाने के मतलब बाहर से आप मंगाते हैं करीबन मान के चलिए 40 रुपीज में, तो आपके सस्ते में पड़ गया। उल्टा आपको मतलब उतना हेडेक भी नहीं है, उतना आपको टाइम भी नहीं देना पड़ा। तो इसीलिए जो कंपनी सस्ते में मिले उसी कंपनी के ऊपर निवेश करना, और कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस ढूंढ कर। तो यहाँ पे आयुर्वेद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी हेल्थ केयर सिस्टम में है, आयुर्वेद के ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे, आयुर्वेद कंपनीज के ऊपर एक्वायर करेंगे तो उस कंपनी का भी फायदा मिलेगा, और वो भी कितना? 60% स्टेक। इसका इसका मतलब है 60% स्टेक किसी भी कंपनी के प्रोमोटर के पास अगर हो तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं उस कंपनी के ऊपर। एक बहुत बड़ी बात है, मैं जरूर कहूंगा अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस
लिमिटेड ऑन वेडनेसडे के दिन एक्वायर्ड 60% स्टेक इन एन यहाँ पे देखिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यहाँ पे देखिए चेन कॉल्ड आयुर्वेद फॉर कंसर्न, यहाँ पे देखिए कंसिडरेशन ऑफ 26.4 करोड़, स्टार्टेड ए प्रेस रिलीज, मतलब सॉरी स्टेटेड ए प्रेस रिलीज, मतलब प्रेस रिलीज के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। देखिए एज पर द रेगुलेटर रेगुलेटरी फाइलिंग बाई एपोलो ग्रुप, देखिए कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, कोई भी कंपनी को बेच रहे हैं, तो कुछ भी करें तो आपको सेबी के पास सारे डेटा आपको जमा करना पड़ता है, BSENSE के पास सारे डेटा आपको जमा करना पड़ता है, तो उसी रेगुलेटरी के माध्यम से यहाँ पे अपडेट किया गया है। देखिए द इन्वेस्टमेंट विल बी यूज द अपग्रेडेड, यहाँ पे देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी खुद को अपग्रेड कर रहा है, खुद का बिजनेस को अपग्रेड कर रहा है, तो इसीलिए उसका हेल्थ सिस्टम में आयुर्वेदिक सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए वो आयुर्वेदिक सिस्टम को भी हेल्थ सिस्टम में लेके आया है, इसलिए उन्होंने 60% स्टेक खरीदारी किए है आयुर्वेद का। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने बता रहा है कि रेवेन्यू एस्टिमेट फॉर ऑफ ओवर ₹15 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 आयुर्वेद यहाँ पे देखिए टारगेट इट अचीव ₹100 करोड़, मतलब 50 करोड़ से आयुर्वेद को कंपनी 2023 में ही 100 करोड़ तक, नेक्स्ट 3 ईयर में 100 करोड़ तक वो पहुंचाने वाला है। इसका मतलब आयुर्वेद के ऊपर कंपनी जोर शोर से काम करने वाले है, और इसी के फायदा किसको मिलेगा, अपोलो हॉस्पिटल को, और जितने सारे लोग इस कंपनी को निवेश करके रखे हैं उसको भी फायदा मिलेगा। तो चलो मैं कंपनी के इसके ऊपर कुछ डेटा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको सारे डिटेल्स और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टर भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिए एज ए इन्वेस्टर वो क्या इस कंपनी को चाहते हैं, देखिए रिटेल पब्लिक कितना चाह सकते हैं, कितने निवेश कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक निवेश करते हैं उससे ज़्यादा, अगर देखिए रिटेल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, मगर रिटेल पब्लिक ऑपरेट ज़्यादा करते हैं, अगर कोई FSDS के पास होल्डिंग है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग है, तो वो लाखों करोड़ों में माल उठाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ बने रहते हैं। तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना 30% होल्डिंग था, अभी भी 29% होल्डिंग है, और FS के पास कितना 47% होल्डिंग था, आज 48% होल्डिंग है, DS के पास कितना 13% होल्डिंग था, आज 15% से भी ज़्यादा होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास भी छोटा मोटा हिस्सेदारी है 0.23%, और पब्लिक के पास कितना 7.37% का होल्डिंग था, अभी 6.32% का होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिला। तो अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट करा रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, सेल्स भी देखिए 2011 में कितना करीबन 2600 करोड़ का था, उसके बाद 3000, 3700, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, मतलब हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, तो जो कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2018 में 60 करोड़ हो गया था तो कम हो गया था, देखिए कभी ना कभी कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो उस इश्यूज के चलते हैं कंपनी के रेवेन्यूज कभी ना कभी कम हो जाता है, तो आपको देखना है क्या वो कम कंटिन्यू हो रहा है कि दूसरे बार उसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया और पहले जैसे परफॉर्मेंस ज्यादा हुआ। आप देखेंगे तो कंपनी 1000 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं खुद का रेवेन्यूज के ऊपर। तो अभी देखना है कंपनी का वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन देखने से पहले कंपनी का कैश फ्लो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है, कोई भी कंपनी के लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में ना हो तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडाता रहता है। तो आपको कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ, सॉरी कंपनी का मतलब कंपिटिटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी जितने सारे हेल्थ एपल हॉस्पिटल नंबर वन है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 63,000 करोड़ के आसपास है, मैक्स हेल्थ केयर कितना है 41,000 करोड़ है, और फोर्टिक्स हेल्थ केयर कितना है 20,000 करोड़ है, डॉक्टर लालपत लैब 20,000 करोड़ है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो आप देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज है उससे कंपिटेटर के हिसाब से बात करूँ तो अपोलो हॉस्पिटल का जो फिगर है आप यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, एक एवरेज लेवल में है, 15 के ऊपर है, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम कम है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी का सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स एकदम रीजनेबल प्राइस में है। देखिए आप कहेंगे सर 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4.5 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है, अगर उसको कंपिटिटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो फिगर है वो कम है। कंपनी का PB रेशियो पी रेशियो बाकी मतलब सेक्टर से जैसे 40 सेल्स केयर का सबसे सस्ते में है, उसके बाद बाकी जितने सारे कंपनी से उससे थोड़ा सा
एडजस्टमेंट देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का पी रेशियो कितना है, 71 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना, 31 है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अभी भी हाई देखने को मिला, ज्यादा देखने को मिला। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप एक बार रिसर्च करके निवेश करिए, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अभी हाई देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी कोविड के बाद लगातार लगातार ग्रोथ किया, कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस था करीबन 1000 के आसपास, और वहां से कंपनी जा पहुंचे 6000 के आसपास। इसका इसका मतलब कंपनी 2 साल में आपको 6 गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। कंपनी ये जो लेवल है यहाँ पे 4448 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ पाए तो फिर से ये जो नया नया हाई है 6000 का, उस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके दिशा के हिसाब से सोचिए। आप एज ए इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर है तो उसके हिसाब से रिसर्च करने के बाद ही निवेश करिए। ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया कल जाकर निवेश कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।